अरे अरे आप कौन हो? मेरे चैनल में आकर मेरे इंट्रो दे दिया। पहचाना नहीं मुझे, इंट्रो में तो पहले मुझे ही दिखाया था, कैसे भूल गए? ओ मतलब आप मेरे इतने सारे टूल्स में से कोई एक हो। जी हाँ, सही पहचाना। पर मेरा नाम क्यों कॉपी किया? क्योंकि आप मुझे कोई नाम दिया ही नहीं। मतलब पूरा वीडियो में आप मेरे सर खाओगे। सर के बाद बोलते बोलते मुझे पता चला कि हम किसी की नाक में पहुंच गए हैं, और आप लोगों को अभी तक नहीं बताया गया कि हम आज किसका इस कल्चर बनाने वाले हैं। तो हम आज बनाने वाले हैं बॉलीवुड का मशहूर एंड जानी मानी एक्टर ऋषि कपूर जी को। मतलब आपको सब कुछ में नाक घुसाने का आदत है। अरे भगवान, आज मैं किसका मुंह देख कर उठा था? शक्ल से याद आया, अब मैं ऋषि कपूर जी का लिप का डिटेलिंग करने वाला हूँ। तो लिप का डिटेलिंग करने के लिए मैंने बर्थडे वाला चाकू का इस्तेमाल किया, उसके बाद मैंने तूली का पीछे वाला हिस्सा से शेप में लाने वाला हूँ। तो आप बताओ आपको ये वीडियो कैसा लग रहा है? मुझे तो बहुत अच्छे लग रहे हैं। हे भगवान, मैंने ऑडियंस को पूछा, आपको नहीं। मुझे पूछ रहे हो इसलिए बोल दिया। आज आप मुझे इतना डिस्टर्ब क्यों कर रहे हो? देखो, आप मेरे को इस्तेमाल करते हो और आप मुझे क्रेडिट भी नहीं देते। ये बात आपको किसने घुसाई कि मैंने आपको क्रेडिट नहीं देता? कहाँ देते हो? आप ये बताओ, लोग सबसे पहले किसको देखता है, आपको या मुझको? मेरे को। तो सेलिब्रिटी कौन बना, आप या मैं? पाँ। अरे कुछ तो बोलो। अरे भाग गए। तो चलो हम लोग भी लौट जाते हैं वीडियो के अंदर। बात करते करते कितना दूर हो गया हम लोग आगे आंखों की पुतलियों की तरफ। अब मैं आंख और गालों का डिटेलिंग करने वाला हूँ, तो आप लोग ध्यान से देखते रहो। काम के टाइम में तो मिलते नहीं, भाग जाते हो। तो अब हम ऋषि कपूर जी का शेप लाने के लिए हम लोग गालों को डिटेलिंग करेंगे, जहाँ पर मैं थोड़ा थोड़ा मिट्टी ऐड कर लिया और मार्च टूल की मदद से धीरे धीरे करके मार्च कर रहा हो। अगर आप लोगों को कहीं पर समझने में परेशानी हो तो कमेंट बॉक्स में प्लीज कमेंट करके पूछना। जरूर पूछना, क्योंकि मैं हर रोज कमेंट पढ़ता हूँ आप लोगों का। क्या आप कमेंट पढ़ते हो? अरे सूरज आज किस तरफ उठा है, पूरा पागल कर दिया मेरे को। अरे आज आप मुझे बहुत डिस्टर्ब कर रहे हो। बातों में तो मैंने ऋषि कपूर जी का फेस स्कल्पचर कर लिया है। तो अब मैं ऋषि कपूर जी का सुई की मदद से भ्रू, दाढ़ी एंड मूंछों का डिटेलिंग करने वाला हूँ। और इसका बातों में तो एकदम मत आना, काम करने के बाद सो जाता है, कभी उठता भी नहीं। आज नींद खुल गया तो मुझे डिस्टर्ब करने के लिए आ गया। इसकी बात छोड़ो, इसके साथ बात करते करते आप लोगों को मैंने बोलना ही भूल गया। जो जो अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो, प्लीज सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन भी जरूर दबा देना, जिससे सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए। अब तक कुछ ढंग की बात की आप। अब आप बताओगे कि मैं बताने वाला हूँ। तो अब हम पहुँच गए हैं ऋषि कपूर जी के बालों की तरफ। तो मेरा दोस्त सुई ने इतनी अच्छी तरीके से सारे के सारे बालों को डिटेलिंग कर दिया है। तो हमारा ऋषि कपूर जी का फेस का स्कल्पचर बनके पूरा रेडी हो गया है। तो आप दिखने वाले हैं हम लोग, कैसा लग रहा है इसे? बताओ कैसा लग रहा है? एकदम सेम हुआ है ना, क्योंकि मैंने जो बनाया है मैं बहुत अच्छा बनाता हूँ, फिर भी मेरा तारीफ कोई नहीं करता। आप कमेंट में लिख कर भर दो कि मैंने सब कुछ बहुत अच्छा करता हूं। रुको 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 यार, वीडियो खत्म हो गया, आपका बोलना खत्म नहीं हुआ। अब हम करने वाले हैं ऋषि कपूर जी का बॉडी स्कल्पचर को। मिट्टी को साइड से काट लेने के बाद मैंने इसको शेप में लाने वाला हूँ। उसके बाद मैंने काम पे लगने वाला हूँ। भगवान है कहाँ रे तू? जी, मैं आपके सामने हाजिर हूँ, क्या चाहते हो? बस आप कभी सुधरोगे नहीं ना? देखो आपको कहीं पर गड़बड़ नहीं लग रहा? गड़बड़ कहाँ पर? देखो मुझे लग रहा है आप थोड़ा काम में गड़बड़ किया है। मैं बहुत अच्छे काम करता हूँ, ऑडियंस को पूछो, मैं गड़बड़ नहीं कर सकता। तो आपको लगता है ऋषि कपूर जी बंगाल में रहते हैं? तुम्हें इतना भी नहीं पता, ऋषि कपूर मुंबई में रहते थे। तो आप बंगाली स्टाइल का कपड़ा क्यों पहनाया? अरे कहाँ गए? देखो फिर से भाग गए। हमेशा से बोलता है बात कम करो, बात कम करो, पर आप सुनने वालों में से तो नहीं। तो आज के लिए तो इतना ही। इतने देर तक बने रहने के लिए आपको बहुत बहुत शुक्रिया। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके बाय बाय। रुको, तुम रुको। मुझे यार।